अस्सलाम वालेकुम नाजीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज स्टूडियो और हॉट न्यूज स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवोकेट जिब्रान नासिर ने कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर KMDC के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की एक बताने पर को सिंध हाई कोर्ट में एक पेडिशन दायर करा दिया है और उसके मुतालिक अब उस नोटिस के ऊपर KMDC और कराची यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला भी लिया था, जिसकी वीडियो जो वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसकी वीडियो आप आई कार्ड के देख सकते हैं। अब एक और ट्वीट एडवोकेट जिब्रान नासिर की है, वो आपकी स्क्रीन पर है। टुडे व्हाइल एडमिटिंग आवर पेडिशन, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध हैज डायरेक्टेड प्रिंसिपल KMDC एंड कंट्रोलर एग्जाम्स कराची यूनिवर्सिटी टू बी पर्सनली प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन नेक्स्ट हियरिंग ऑन 22 दिसंबर 2020 to assist it on our grievance of annual examinations not being conducted despite passage of 12th month. इसका मतलब ये है कि आज यानी दिसंबर 11 को, मतलब कल, उन्होंने एक पेटिशन दायर करा दिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि वो प्रिंसिपल KMDC और कंट्रोलर एग्जामिनर कराची यूनिवर्सिटी दोनों को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट की अगली हियरिंग में, जो कि 22 दिसंबर 2020 को है। एजुकेशन के बारे में और न्यूज जानने के लिए और MDCAT के मुतालिक और न्यूज जानने के लिए और इस KMDC के केस के बारे में और न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तमाम KMDC के और तमाम मेडिकल के तलबा को पता चल जाए कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। शुक्रिया।